अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू आर टुडेज़ लाइव सेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मरहम की कम्युनिटी में, जो कि पाकिस्तान की लार्जेस्ट हेल्थ कम्युनिटी है, इसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर अवेयरनेस बेस्ड लाइव सेशन लेकर आते रहते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जो हमारी ऑडियंस है, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ टॉपिक्स के ऊपर अवेयर करें, उनको हम बताएं कि इनमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दें इसके बारे में। और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर लाइव सेशन कर रहे हैं, एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हमने आज से पहले कभी लाइव सेशन नहीं किया। हमारे पास इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं, बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। एक इंटरनेट पे बहुत ये कहना चाहिए पॉपुलर टॉपिक है जिसके बारे में लोग जानना चाह रहे होते हैं। और आज एक ऐसी स्पेशलिटी के डॉक्टर के साथ हमारा ये लाइव सेशन है जिसके साथ हमने पहले कभी लाइव सेशन नहीं किया। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दें। और जो आज का हमारा टॉपिक है, जो कि पहले कभी कवर नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा लोग सवाल पूछते हैं, तो वो है हेयर ट्रांसप्लांट। आई एम वेरी लकी कि आज हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद जिब्रान रबानी इस लाइव सेशन के लिए अवेलेबल हैं। ये आपके तमाम क्वेश्चन जो कि हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड हैं, इनका जवाब दे रहे होंगे। डॉक्टर जिब्रान रबानी कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन है और ये शालीमार हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लास्टिक सर्जन इन पाकिस्तान और हेयर ट्रांसप्लांट में इनकी बड़ी एक्सपर्टीज़ हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं शालीमार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में। तो हम आज हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन होंगे उनको कवर कर रहे होंगे। सिमिलरली प्लास्टिक सर्जरी और जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स आजकल बड़े कॉमन हैं, इनके बारे में भी हम डॉक्टर जिब्रान रबानी से पूछेंगे, आपको अवेयरनेस देंगे। जो भी आपके कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, फियर्स हैं, जो भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं, वो हम इन सबसे रिलेटेड कवर कर रहे होंगे। लेकिन स्पेशली आज हम हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बात करेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या करवाना चाहिए, किन लोगों को करवाना चाहिए, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, इसके फियर्स क्या हैं लोगों के जहनों में, तो आज हम इसको भी एड्रेस कर रहे होंगे। मैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में अगर थोड़ा आगे चलूँ तो इस तरह से है कि पाकिस्तान में हमारी जो सोसाइटी एक बड़ी कंजर्वेटिव सोसाइटी है, जो लोग गंजपन का शिकार होते हैं पाकिस्तान में, उनको बड़े मसले फेस करना पड़ रहे होते हैं। ऑफिसेज में लोग टॉन्ट हो रहे होते हैं, मैरिजेज में इवन के प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, सेल्फ एस्टीम उन लोगों का बड़ा डिसमेंटल हुआ होता है जो लोग गंजपन का शिकार होते हैं। और उनके लिए उनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि वो इस मसले का शिकार होते हैं और साथ में उनके लिए और बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जो ओरिजिनेट कर जाते हैं। तो पाकिस्तान में, लेकिन अच्छी बात अब ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। जो मैंने एक स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान में 120 क्लिनिक हैं जहाँ पे इस टाइम हेयर ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। तो हमारे पास एक बड़े कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स हैं जो ये वाला प्रोसीजर कर रहे हैं, बहुत से हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ये किया जा रहा है। तो अब वो लोग जो गंजपन का शिकार थे, उनके लिए एक उम्मीद की किरण ज़रूर है कि वो ये वाला प्रोसीजर करवा के दोबारा एक दफ़ा जो बालों का मसला है उनका, और उस मसले से वो बाहर निकल सकते हैं और जिस तरह कोई एक आम बंदा बालों वाला या जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहा होता है वो भी वैसी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो एक प्रॉब्लम नोट की गई है हमारी सोसाइटी में, वो ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट के टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, गूगल पे, फेसबुक पे, इंटरनेट पे, बहुत से लोग हैं जो ये ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। लेकिन इसके बारे में मरहम जो अब समझता है कि हमने क्यों डिसाइड किया इस टॉपिक पे लाइव सेशन करने का, वो ये था कि हम आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दें, आपको अवेयरनेस दें इस टॉपिक के बारे में कि एक्चुअली हेयर ट्रांसप्लांट क्या है, किन डॉक्टर से करवाना चाहिए, क्या करना चाहिए। और आपके पास एक हम कॉम्पिटेंट और ऑथेंटिक डॉक्टर लेके आए हैं डॉक्टर जिब्रान रबानी की शक्ल में कि हम आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बताएं। तो डॉक्टर साहब, मेरा आपसे पहला सवाल यही होगा हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के फियर्स हैं, कॉम्प्लिकेशन हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो गंजपन का शिकार हैं। तो आप मुझे बताएं कि कितना रिलायबल प्रोसीजर है हेयर ट्रांसप्लांट, लोगों को कंसिडर करना चाहिए तो ये क्यों कंसिडर करना चाहिए, थोड़ा सा हमें इसके बारे में, इसकी रिलायबिलिटी के बारे में, हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बताएं, थोड़ा इसके बारे में बताएं कि ये कितना सेफ होता है, थोड़ा सा हमें डिस्कस करें कि लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ क्यों जाना चाहिए। थैंक यू। सबसे पहले तो ये वेरी थैंक यू, और बड़ा अच्छा फॉरम ये मुझे मिला है मरहम के सूरत में, जिसपे हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं, जो कि आजकल बड़ा हाईलाइटेड भी है। उसके दो वजूहात हैं, एक तो उसकी इंपॉर्टेंस की वजह से और उसकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से भी, दोनों तरीके उसके ड्रॉबैक्स एंड प्रोज एंड कॉन्स दोनों की वजह से बड़ा हाईलाइटेड टॉपिक है। और इस पर मेरा ख्याल अब आज बात करने का जो मौका मिला है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, इसके क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, किस तरह इसको लेकर चला जाता है, किन लोगों को ज़रूरत है इसकी, किन को नहीं है, और इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या फियर्स हैं। पहली बात तो ये बड़ी ज़रूरी है कि जो भी लोग हैं, जो बहुत सारी हमारी कम्युनिटी ऐसी है जो कि हेयर फॉल जिनका प्रॉब्लम है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एवरी फिफ्थ पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम हेयर फॉल, लेकिन ये नहीं है कि इन सबको हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है।
ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ आपको एक जहन में रखनी चाहिए कि हेयर फॉल के बहुत सारे वजूहात हैं। सबसे पहले जो हम बात करते हैं, काफ़ी ऐसी डिजीज हैं, स्किन डिजीज़ हैं जिसके अंदर हेयर फॉल होता है। अब वो और दूसरा जो आम गंजपन देखा जाता है मर्द हजरात में, ज़्यादातर फीमेल्स में भी है लेकिन मर्द हजरात में ज़्यादा है, जो कि आम गंजपन जिसको कहा जाता है, जो कि एक जेनेटिक प्रोसीजर है जिसकी वजह से जो जीन्स ऐसी होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जिसके अंदर हेयर फॉल वो करवाती हैं। जिन ख्वातीन हजरात में जीन्स मौजूद हैं उनमें हेयर फॉल होना ही है। लेकिन इसको डिफ्रेंशिएट करना कि क्या वो डिज़ीज़ की वजह से है या जेनेटिक है, बड़ी एक थिन लाइन है जिसके थ्रू जिसे कर सकते हैं हम इसको डिफ्रेंशिएट। सबसे ज़रूरी चीज़ इसके अंदर गेट योर सेल्फ एग्जामिन्ड, ठीक है, बाय एन ऑथेंटिक डॉक्टर। उसमें डॉक्टर ने क्या करना है, डॉक्टर ने ये डिफ्रेंशिएट करना है क्या ये जेनेटिक है या ये डिज़ीज़ की वजह से है। क्योंकि अगर वो डिज़ीज़ की वजह से है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मोर देन 95% ऑफ द केसेस के अंदर ये ट्रीटेबल होते हैं। जो हेयर फॉल है ट्रीटेबल है, ठीक है, ये नहीं होगा कि हेयर फॉल है और आप जाते हैं और आपको डायरेक्टली ये कह दिया जाए नहीं आपको हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत है, ऐसा कतई नहीं है। अब ये डिफ्रेंशिएट जब कर लेते हैं कि जनाब ये जेनेटिक है या ये डिज़ीज़ की वजह से है, उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट की बात आती है। बिल्कुल ठीक। अब पाकिस्तान के अंदर इससे पहले अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस आए थे या अभी भी चल रहे हैं इवन हेयर फॉल के लिए, एंड लाइक बहुत सारे टोटके, घरेलू टोटके हैं, हकीमों के टोटके हैं, बहुत सारे ऑयल्स अवेलेबल हैं। बहुत कॉमनली जो पुराने ज़माने में चलता था विक्स, तो ऑब्वियसली अवेलेबल हैं ही हैं। वो एक कहते हैं तेल है, तेल लगाएं और गंजपन से निजात पाएं। लेकिन यही मैं आपको इस फोरम पर बताना चाहता हूँ कि ये ऐसे जो टोटके हैं या ऐसे तेल हैं, ऑयल हैं मौजूद हैं या मेडिसन्स हैं, ये इफ़ेक्ट करती हैं जब किसी भी जो हेयर फॉल है किसी भी डिज़ीज़ की वजह से हुआ है। जब वो जेनेटिक है तब उसको, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसको रोकना मुमकिन बाज़ूकात नहीं होता, ठीक है। वो उसने प्रोग्रेस करना है विद एज, उसने प्रोग्रेस करते रहना है। हाँ, उसको स्लो डाउन किया जा सकता है विद मेडिकेशंस एंड विद अदर ट्रीटमेंट्स, लेकिन उसको रोकना शायद मुमकिन नहीं है। तो ये बड़ा एक, अब जो वर्ल्ड वाइड तो ये बड़ा कॉमन है, प्रोसीजर कॉमन है। बाहर के मुल्कों में बहुत सारे लोग हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं और उनके लिए कोई मसला नहीं है। बिल्कुल, आप देखेंगे इस वक्त बड़े जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, इवन जो ताइवान है वो बहुत आगे जा रहा है ट्रांसप्लांट के अंदर। बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर और बहुत तेज़ी से इसके अंदर प्रोग्रेस हो रही है और इसके अंदर एडवांसेज आ रही हैं। चूँकि ये एक सेफ़ प्रोसीजर है और इसको सेफली एग्जीक्यूट किया जा सकता है, तो इसलिए इसको इसको प्रमोशन भी मिल रही है। अब लोग इस तरफ, इनका रुझान बढ़ता जा रहा है हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ। यहाँ पे मैं आपको एक बड़ा क्लियर चीज़ बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, प्रोवाइडेड कि आपने किसी सेफ जगह से, सेफ पर्सन से करवाया है। ये बात, ये बड़ी जरूरी चीज़ है कि इसके अंदर आप किसी क्वैक के पास चले जाते हैं, किसी नॉन टेक्निकल पर्सन के पास चले जाते हैं, इवन नॉन टेक्निकल डॉक्टर के पास भी आप चले जाते हैं, तो वो भी फायदा देने के बजाय नुकसान कर सकता है। और मैं यहाँ पे ये समझता हूँ कि जो ज्यादातर लोगों के फियर्स हैं या जो लोग डरते हैं हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए या इसकी तरफ जाने की, उसकी सबसे बड़ी रीजन ही है क्योंकि वो क्वैक्स या ऐसे जो डॉक्टर्स के पास जा चुके होते हैं जिन्होंने लोगों के केसेस खराब किए होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे। तो उसकी वजह से लोगों के पास एक ऐसा परसेप्शन बिल्ड हो जाता है कि मे बी ये एक ऐसा प्रोसीजर है कि मे बी सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको एक ऑथेंटिक या एक ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं जो इसके अंदर एक्सपर्टीज रखता है और आप उससे करवाएंगे, तो बहुत से ऐसे केसेस भी हैं जिनमें हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहा है और बल्कि मेजोरिटी ऑफ द केसेस में हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहा। एक बार आपको याद होगा पिछले दिनों कुछ सेलिब्रिटी का एक इशू आया था, हाँ जी, सोशल मीडिया बड़े वायरल रही थी, वायरल रही थी वीडियो। हाँ ठीक है। अब अगर उसकी आप टेक्निकल डिटेल्स में चले जाते हैं, उसकी डिटेल्स में केस के जाते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि कितना जरूरी है एक स्पेशलाइज्ड पर्सन से काम करवाना। बिल्कुल। अब स्पेशलाइज्ड पर्सन कभी भी वो क्वैक नहीं हो सकता, ठीक है, कभी भी वो कोई होम्योपैथिक पर्सन नहीं हो सकता। ऐसा पर्सन जो कि एक इसका बैकग्राउंड, सर्जिकल बैकग्राउंड जिसका है और उसकी ट्रेनिंग, स्पेशलाइज ट्रेनिंग है हेयर ट्रांसप्लांट में। बिल्कुल ठीक। क्योंकि देखें, ये कहने को एक सिंपलर प्रोसीजर है बट इट्स नॉट एन इजी प्रोसीजर। इसकी अपनी एक बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। अगर वो हम कहीं से भी किसी पॉइंट पे उसको ब्रीच करते हैं तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स जो है ना डिज़ास्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया।
तो अगर मैं सम अप करूं डॉक्टर साहब की इस बात को, तो बेसिक स्टेप, जो प्राइमरी स्टेप जो लोग हेयर फॉल की प्रॉब्लम का शिकार हैं या जिनके बाल गिरते हैं, वो ये है कि वो अपने आप को एग्जामिन करवाएं एक डॉक्टर से सबसे पहले, या जो लोग गंजपन का शिकार हैं, ताकि वो एक्चुअली जो रीज़न है उनके हेयर फॉल की या उनके गंजपन की, वो उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि अगर बाल्डनेस है तो क्यों है। और उसी के बाद कोई जो डॉक्टर होगा, जो आपका प्लास्टिक सर्जन होगा, वो आपको गाइड करेगा कि क्या आपको हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है या कोई और सोल्यूशन है जिसकी तरफ आप जा सकते हैं। तो पहला स्टेप यही है कि आप एक डॉक्टर को दिखाएं जो आपके लिए ये डिसाइड करे कि क्या आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए या आपको हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर एक और जो, अब हम थोड़ा सा इसके अंदर आगे बढ़ने की चलूंगा मैं डॉक्टर साहब से, मैं ये पूछूंगा कि आप हमें थोड़ा हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर के बारे में बताएं कि हेयर ट्रांसप्लांट एक्चुअली लोग जानते नहीं है, इन्फॉर्मेशन तो बहुत है कि हेयर ट्रांसप्लांट है, अच्छा इतने में होता है, यहाँ से होता है, ये सब है, लेकिन लोग थोड़ा सा आप हमें मेडिकली भी बताएं कि किस तरह से हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर किया जाता है, क्या क्या स्टेप्स हैं जो डॉक्टर्स लेते हैं इसको करने में, और थोड़ा सा हमें प्लीज़ इसके बारे में अवेयर करें। देखिए, सबसे पहले बात मैं अगेन अपनी बात रिपीट करूंगा कि जो इन्होंने बात की कि डॉक्टर्स क्या स्टेप लेते हैं। सबसे पहले स्टेप ये है कि हमारे पास एक अच्छा सेटअप होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हों, जहाँ पे स्टरलाइजेशन का, सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया हो, और वहाँ पे वेल ट्रेन पर्सन हो, ठीक है। सबसे मोस्ट फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है ना आपके लोकेशन है जहाँ पे आप करवा रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं प्रोसीजर की। लोगों के बहुत सारे फियर्स हैं इसके बारे में कि बहुत पेनफुल प्रोसीजर है या बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है। नो डाउट इट्स अ लेंथी प्रोसीजर, सर्जरी या जो भी प्रोसीजर है ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। रफली 4 to 8 hours हमें इसमें प्रोसीजर में लगते हैं, डिपेंडिंग कितना एरिया कवर करना है, कितने बाल हमने इसमें लगाने हैं। दो तरीके इसके बड़े कॉमनली यूज हैं। पहला तरीका तो ये है जो कि पुराना तरीका है, जिसमें कट लगा के पूरे स्किन का एक पीस निकाला जाता है बैक साइड से। अच्छा, पहले मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा इससे गाइड कर दूं, बता दूं आपको कि इसमें हम करते क्या हैं। ये एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसीजर है। नेचुरल प्रोसीजर ये मुराद है कि जो बाल लगाए जाते हैं या जो बाल ग्रोथ होती है वो एब्सोल्युटली नॉर्मल नेचुरल होते हैं। बिल्कुल ठीक। बहुत सारे लोगों का ख्याल होता है कि वो शायद ग्रो नहीं करते, नहीं वो बाल नहीं आएंगे। हाँ, वो उनका ख्याल होता है ये कि एक दफ़ा लगा दिए जो जितनी लेंथ पे लगाए हैं उतनी होते हैं, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल बाकी बालों की तरह ग्रो करते हैं। उसकी वजह क्या है कि वो आपके अपने ही बाल होते हैं, अपने ही सर के बाल हैं, जो कि हमने टेक्निकली थोड़ा सा उसको बातों को घुमा दिया है, बात को कह लें या बालों को कह लें, हमने पीछे से बाल जो कि ग्रोथ अच्छी है जिनकी, उनको आगे लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल नेचुरली ग्रो करते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें एक और मैं अपनी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि वाय सामने वाले बाल, उसमें इफ़ेक्ट होता है हॉर्मोन्स का। आपने यूजुअली देखा होगा कि जितने भी जो मेल बाल्डनेस है, जो गंजपन है, वो सामने वाले बालों पे होती है, पीछे वाले बालों पे नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि जो एक हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, मेल हार्मोन है, वो पीछे वाले बालों पे इफ़ेक्ट नहीं करता। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, ये भी बड़ा ज़रूरी इसमें इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि ये हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से है। ये नहीं होता कि जी किसी को गंजपन हो गया तो इसका मतलब उसके हार्मोन्स ख़राब है, ऐसा नहीं है। हार्मोन्स अपने एक नॉर्मल, हार्मोन्स की हमेशा एक नॉर्मल रेंज होती है। वो रेंज के अंदर, वो मिनिमम टू मैक्सिमम एक रेंज है। उस रेंज के अंदर रहते हुए, नॉर्मल रेंज के अंदर रहते हुए, उनका डिफरेंट इफेक्ट होता है बालों के ऊपर, क्योंकि बालों के बड़े स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जो कि वो एक स्पेसिफिक रेंज या स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ जो हार्मोन उस पर एक्टिवेट हो जाते हैं। बस सामने वाले बालों पर रिसेप्टर्स होते हैं, पीछे वाले बालों पर नहीं होते। तो हम इसी बात का एडवांटेज लेते हैं कि हम जो पीछे वाले बाल हैं वो आगे ट्रांसफ़र करते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? एक तो यह है कि हमें डोनर एरिया जो हमें पीछे वाले बाल हैं आगे बाल आ जाते हैं। सेकेंडली, इन बालों पर लेटर ऑन ये अपनी जगह पर रहते हैं, दोबारा गिरते नहीं हैं, क्योंकि इन पर तो रिसेप्टर्स ही नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम प्रोसीजर की बात कर रहे थे कि हम करते ये हैं कि पीछे से बाल लेके, जो बैक वाले बाल हैं वो लेके आगे लगाते हैं। उसके दो प्रोसीजर्स हैं। पहला प्रोसीजर जिसमें था कि स्ट्रिप निकालते थे, कट लगा के स्किन का एक पीस निकाला जाता है, पूरा फुल लेंथ पीस निकाला जाता है, और उसमें से सारे के सारे हेयर्स को अलग किया था और साइड पे टेबल पर रख के सारे हेयर्स हम अलग कर लेते हैं, ठीक है। लगाने का तरीका सेम है दोनों प्रोसीजर्स के अंदर, एक उसको हम बाद में बात करते हैं। सेकेंड तरीका जो अब रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ और जो प्रैक्टिस होता है वो ये है कि हमारे पास स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्पेशल मशीन होती है जिसके ज़रिए हम
एक एक इंडिविजुअल बालों को बाल को निकालते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम पूरा काट नहीं लगाते, स्किन को बिल्कुल नहीं निकालते, एक एक बाल को हम मशीन के थ्रू हार्वेस्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, एंड देन वी विल प्लेस देम ऑन टेबल। ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या है? पहले प्रोसीजर स्टेप बताया कि स्टेप पूरी निकालते हैं, उसमें फायदा नुकसान क्या है कि जनाब पूरे कट लगता है, ऑब्वियसली उसमें स्टिचेस भी आते हैं और उसकी पेन भी ज़्यादा है, ठीक है। जबकि जो सेकंड मेथड है उसमें हम, अच्छा, पूरे प्रोसीजर को ना हम लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, जनरल एनेस्थीसिया में नहीं करते। जनरल एनेस्थीसिया का मतलब यह है कि बेहोश करके नहीं कहते, जो भी पर्सन होता है वो फुली अवेक होता है, हम उससे गपशप कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, हंसी मजाक भी कर रहे होते हैं और बड़े लाइवली मोड के अंदर हमारा प्रोसीजर चल रहा होता है, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट है ये चीज़, क्योंकि बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है ये, 4 to 6 hours, 4 to 8 hours बाज़ औक़ात हमें लग जाते हैं इस प्रोसीजर में। तो इसमें जो सेकंड प्रोसीजर है जो मैंने बताया कि फॉलिकुलर एक्सट्रैक्शन मेथड इसको कहते हैं, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन मेथड, इसमें हम एक एक बाल को लगा निकालते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। इसमें फ़ायदा ये होता है कि कट नहीं आता, निशान नहीं पड़ता, कट का निशान जो पड़ता वो नहीं होता, पेन नहीं होती क्योंकि इसमें कोई कट नहीं है, कोई पेन नहीं है, ठीक है, स्ट्रेचिंग इफेक्ट नहीं होता। फिर क्या होता है, हम उस सारे बाल जो एक्सट्रैक्ट किए हैं, निकाले हैं, वो साइड टेबल पर रखते हैं, उनको हम प्रिपेयर करते हैं, बिल्कुल ठीक, ठीक है। क्योंकि निकालते हुए कुछ ऐसे बाल होते हैं जो डैमेज हो जाते हैं, कुछ बालों की उसके अंदर यूनिट्स ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं, वो हमने अरेंज करने होते हैं बाल के, आगे कौन से लगाने, पीछे कौन से लगाने, हम उसकी कम्प्लीट प्रिपरेशन करते हैं। फिर जो जो सेकेंड मरहला होता है उसमें यह है कि जहाँ पे बाल लगाने हैं वो प्रिपेयर साइड करनी है हमें। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फ्रंटल हेयर लाइन, सामने वाली हेयर लाइन। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सामने वाली हेयर लाइन अगर डेंसिटी उसकी अच्छी है तो एक कैमोफ्लाज इफेक्ट दे सकते हैं आप उससे, ठीक है। आप पीछे वाले बालों पर अगर थोड़ी सी डेंसिटी कम भी है तो आप आगे वाले बालों को लंबा करके उसको पीछे हेयर स्टाइल ऐसा रख सकते हैं जो कि ईजीली कैमोफ्लाजेबल है, ठीक है। तो ज़्यादा हमारा जो फोकस होता है वो फ्रंटल हेयर लाइन डेंसिटी की तरफ होता है, बिल्कुल ठीक। वहाँ पे हम पूरे एक हेयर लाइन डिज़ाइन करते हैं, बड़ी मेजरमेंट्स के साथ डिज़ाइन की जाती हैं और वहाँ पे है साइटिंग की जाती है। साइटिंग से मुराद है कि वहाँ पे जगह को प्रिपेयर किया जाता है जहाँ पे हमने हेयर लगाने हैं, ठीक है। वो जगह सारी प्रिपेयर होती है विद मैक्सिमम डेंसिटी, जो पॉसिबल डेंसिटी हम उसमें अचीव कर सकते हैं। फिर जो प्रिपेयर हेयर होते हैं वो हम उसमें इम्प्लांट कर देते हैं, बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। ये एक प्रोसीजर है फॉर हेयर ट्रांसप्लांट का, बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। इससे मैं थोड़ा सा आपको मजीद मैं बताना चाहूँगा। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट तो हमने कर लिया, इसके बाद क्या है? हाँ जी, ठीक है, ये बड़ा जरूरी है। हाँ, ये एक बड़ा लोगों का सवाल, बड़ा लोगों का सवाल है कि बाल कब आएंगे, कैसे आएंगे, बिल्कुल कितने आएंगे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है ये हमारा। अच्छा, इसके अंदर बाल कितने आएंगे या रिजल्ट कैसे आएंगे, कब आएंगे, एक चीज पे बहुत डिपेंड करता है कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ हेयर लॉस, जो इनिशियल किस स्टेज पे था पर्सन, ठीक है। क्लासिफिकेशन होती है इसकी, 7 क्लासेस होती हैं जो कि डिफाइन करती हैं हमें अपना प्लान बनाने में। वो क्लासिफिकेशन क्या है कि फ्रंटल आपने देखा होगा बहुत से लोगों के सिर्फ साइड बर्न जो है ना टेम्पल एरिया, ये रिसेशन हो रही होती है, कहीं का फ्रंटल एरिया, कहीं के टॉप से है, वो डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। कहीं के बिल्कुल ऊपर से खत्म हो जाते हैं, सिर्फ पीछे रह जाते हैं, ऊपर यहाँ से बाल गायब होते हैं बिल्कुल। अच्छा, इसमें ना एक हमारी लिमिटेशन भी है, इसमें जो टाइप 6 and 7 है उसमें अमूमन हम हेयर ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इतने पीछे डोनर एरिया इतना कम हो जाता है कि हम उसमें पॉसिबल नहीं होता कि हम इतने हार्वेस्ट करके उसको पूरे एरिया को कवर कर सकें, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट की मैं बात ये बता रहा हूँ कि डिपेंड करता है कि किस किस्म का पैटर्न था पहले, बिल्कुल कितना ज़्यादा हेयर लॉस था पहले, कितना एरिया कवर किया गया है। थोड़ा एरिया होगा उसमें हम ज़्यादा डेंसिटी दे सकते हैं, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। बहुत मेजर एरिया है, बड़ा एरिया है, उसमें बाज़ औक़ात हम इतनी डेंसिटी नहीं दे सकते और उसके लिए हमें बाज़ औक़ात सेशंस भी करने पड़ते हैं, 1 या 2 सेशंस के अंदर, सेकेंड सेशन में हम पूरा एरिया कवर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि जो बाल लगाए जाते हैं इनका कुछ परसेंटेज जो है ना वो लॉस होती है विद इन 1 to 2 months, ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस रीग्रो होता है दोबारा, ग्रोथ इनकी शुरू हो जाती है। और ऑन सेफ साइड आई कैन से कि इनकी ग्रोथ जो है वो अप टू 1 year तक चलती रहती है, एक साल बाल आते रहते हैं, ठीक है। एक साल पूरा होता है तब हम रफली कहते हैं जी ये इसका फाइनल रिजल्ट, अब इसके बाद ना बाल गिरने हैं ना आने, बिल्कुल ठीक है। एक साल तक का टाइम हमें लाजमी देना है,
और इसकी सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर हमें सेकंड सेशन करना है तो हम उसके लिए एक साल का मिनिमम टाइम देंगे उसके। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा इस तरह से कि मैं एक दफ़ा दोबारा बताता चलूँ, हमारा आज का टॉपिक है हेयर ट्रांसप्लांट। हमारे साथ डॉक्टर जिब्रान रब्बानी मौजूद हैं। आप हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, प्लास्टिक सर्जरी, तो आप हमारे पास कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उनको एंटरटेन करें। कुछ हमारे पास जो सवाल आ रहे हैं हम उनको डॉक्टर साहब से उनका जवाब भी लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब मैं आगे चलता हूँ। थोड़ा सा आपने बहुत हमें इन डिटेल और अच्छे तरीके से बता दिया कि हेयर ट्रांसप्लांट कैसे होता है। अब अगला जो एक बड़ा कॉमन सवाल है और जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, वो ये कि आप थोड़ा हमें हेयर ट्रांसप्लांट के सक्सेस रेट के बारे में बताएं। हम इवन देखते हैं कि पॉलिटिशियंस भी हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं। नवाज शरीफ ने कराया था, वो दोबारा हमने देखा गंजा हो गया। तो इसमें आप हमें बताएं कि ये बाल आते हैं कि ऐसा तो नहीं है चले जाते हैं, या कितना सक्सेस रेट है? जिस तरह हमें बताया एक साल का रिकवरी टाइम होता है, बाल आते रहते हैं, ये तो नहीं है कि तीन चार साल बाद दोबारा बाल गिरना शुरू हो जाते हैं? थोड़ा सा आप हमें इसका अगर मुख्तसर सक्सेस रेट के बारे में बता सकते। अच्छा एक चीज़ तो ये है कि जैसे मैंने पहले बताया कि जो बाल आ जाते हैं वो दोबारा गिरते हैं बड़ा कम उसके चांस होते हैं गिरे वो, क्योंकि उसका मैंने आपको रीज़न ही बताई है सारी। उसके पीछे हार्मोन रिलेटेड एक रीज़न है जो कि पीछे वाले बालों पे एक्ट नहीं करते, जो हमने बाल आगे लगाए हैं वो हेयर फॉल की जो कह रहे हैं ज़्यादा में नहीं आते। ठीक है ठीक है। अच्छा अब सक्सेस रेट एक इसमें जब हार्वेस्ट किए जाते हैं, काफ़ी कुछ बाल ऐसे होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिकली डैमेज होते हैं, जो कि बाजू का रीग्रो नहीं करते। जितने टोटल बाल लगाए जाते हैं उसमें से वी आर एक्सपेक्टिंग के 90-95% उसमें से बाल ग्रो करेंगे, 5% जो है ना बाल ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट के वहाँ पे कोई कम्प्लिकेशन नहीं हुई, लाइक इन्फेक्शन नहीं हुई, एंड वी यूज़ सप्लीमेंट्स इसके अंदर फॉर हेयर नरिशमेंट, हेयर के जो बालों की खुराक है उसके लिए, उनकी फ्लरिशिंग के लिए सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो। ठीक है, तो ये सक्सेस रेट दैट डिपेंड्स अगेन के कितने बालनेस थी पहले, कितने हेयर ट्रांसप्लांट किए गए हैं, कितनी डेंसिटी में किए गए हैं। और सक्सेस रेट को किसी परसेंटेज में रखना शायद मुश्किल होगा क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि स्किन क्वालिटी क्या है, जो बाल और डोनर साइट है उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है, कितना एरिया कवर किया गया है, कितने बाल लगाए गए हैं, क्या एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या रहे हैं, ठीक है, क्या सप्लीमेंट्स रहे हैं कि नहीं रहे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो किसी को क्वांटिफाई करना कि जनाब की रिजल्ट मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है। बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हमने यही नोटिस किया कि इट इज़ अ सक्सेसफुल प्रोसीजर और बाल आ जाते हैं। सक्सेसफुल प्रोसीजर है इसीलिए तो लोगों की अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है, लोगों का, लेकिन लोग देखते हैं एक दूसरे को देखते हैं। ठीक है, अगर और साइंटिफिकली भी हम बात करें, कोई भी ऐसा प्रोसीजर है जिसका सक्सेस रेट नहीं अच्छा तो वो अबेंडन हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, वो ओवर द टाइम ख़त्म हो जाता है। बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं, सर्जरीज हैं, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि अब यूज़ नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आपको पता ही होगा पहले वो टेट्रासाइक्लिन या वो डॉक्सीसाइक्लिन चलती रही थी, वो अब नहीं होती। एरिथ्रोमाइसिन आया करती थी, वो अब उसका इतनी रेजिस्टेंस आ गई, वो खत्म हो गई। इसी तरह प्रोसीजर्स भी इसी तरह। आपका ये पॉइंट बड़ा अच्छा लगा है कि अगर ये हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर बढ़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग हम इसको करवा रहे हैं या ज्यादा से ज्यादा जगहों पे शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एक सक्सेसफुल प्रोसीजर है। बिल्कुल ठीक हो गया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट को मजीद थोड़ा डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन भी आया है अहमद राजपूत का, थोड़ा हमें साइड इफेक्ट्स के बारे में बताएं हेयर ट्रांसप्लांट के, कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, थोड़ा कोई इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं एज अ रिजल्ट जब लोग हेयर ट्रांसप्लांट करा लेते हैं उसके बाद। ठीक है, इसको मैं अगर ये कहूँ कि इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि यू कैन नॉट गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट्स। ऑलराइट, ठीक है, कोई आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकता। हाँ, और इस चीज़ को हम बाज़ुकात बहुत सारी बातों में तो मोर देन 70-80% हम फोर्सी करते हैं कि कैसे रिजल्ट्स होंगे, लेकिन बाज़ुकात हम उसको हम भी नहीं बता सकते कि कैसे रिजल्ट्स होंगे। तो एक तो ये है सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन कि जनाब हमने सोचा कि ऐसे इतने अच्छे घने बाल हो जाएंगे एंड मैं ऐसा हेयर स्टाइल रखूँगा तो वो बाज़ुकात अचीव नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि अगेन गोइंग बैक टू प्रीवियस पॉइंट्स के अगर आपने अच्छी जगह से करवाया है, ठीक है, इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। अगर आपने अच्छी जगह से नहीं करवाया तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इन्फेक्शन के अंदर बहुत सारे उसके रिजल्ट्स हैं, जो आपके हेयर ग्रोथ है वो बिल्कुल फॉल कर जाता है, जो लगाए हैं वो ग्रो ही नहीं करते बहुत। ठीक है, डैंड्रफ हो जाता है,
इसके अलावा ऐसी इन्फेक्शन हो जाती है जो कि स्किन को डैमेज करती है, जहाँ पे दोबारा बाल उग नहीं सकते, ठीक है, ऐसी इन्फेक्शन है। अदरवाइज इसमें कोई मेजर साइड इफेक्ट या मेजर कॉम्प्लिकेशन कोई भी नहीं है अगर ये कुछ सेफ हैंड्स में किया गया और अगर कोई टेक्निकल पर्सन ने किया है जो कि इस चीज़ को करने के लिए ऑथराइज है। ऑथराइजेशन का मतलब यह है कि PMDC जो पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल है उसने इसे क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। इसी तरह पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने इससे क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि कौन बंदा कर सकता है कौन नहीं कर सकता। बिल्कुल, जो बंदा इसके लिए ऑथराइज है अगर आप उससे करवा रहे हैं तो वो ऑब्वियसली इन चीज़ों का ध्यान रखेगा एंड ऑब्वियसली रिजल्ट अच्छे होंगे। एंड अगेन सेइंग दैट कि इसमें बहुत मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है, इट्स अ सेफ प्रोसीजर। ऑलराइट। और इसमें जो मुझे इंपॉर्टेंट बात बिल्कुल आपकी बात सुनने के बाद समझ आई है कि बड़े एक सेंसिटिव प्रोसीजर है ये ट्रांसप्लांट, लेकिन अगर सही जगह से कराया जाए, कॉम्पिटेंसी वाले एक डॉक्टर से करवाया जाए तो इट इज़ अ वेरी सक्सेसफुल प्रोसीजर। आपको किसी भी तरह से साइड इफेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कोई मसला होगा या बाद में कोई बाल दोबारा नहीं आएंगे या इस तरह के जो कॉमन लोगों को कॉम्प्लिकेशन का इसका ऊपर एक खदशा होता है या डर होता है। अच्छा, अब सर मैं आप थोड़ा सा आगे बात करेंगे, आप हमें थोड़ा सा इसके बारे में बताएं जो कॉस्ट है इस ट्रांसप्लांट की पाकिस्तान में, वो क्या है, एक्सपेंसिव है, वेरी करती है डॉक्टर डॉक्टर या हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर पे इसका डिपेंड कर रहा होता है, थोड़ा सा हमें हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट के बारे में बताएं ताकि लोगों को। इसमें अब कॉस्ट के हवाले से जब बात करते हैं तो कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है इसके अंदर अभी वर्ल्ड वाइड, कोई एक्सेप्टेड कॉस्ट ऐसी नहीं है कि या मैं आपको कोई रेंज बता दूं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेंज है। रफली अगर हम बहुत ब्रॉडर टर्म्स में बात करते हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम 7,000 रुपीज़ टू 3 लाख रुपीज़ और सो। अब लेकिन मेजर प्रॉब्लम इस कॉस्ट के ऊपर क्या फैक्टर्स हैं, क्यों इतनी वेरी करती है ये। वन थिंग इज़ किस सेटअप में हो रहा है, अगर अच्छे सेटअप हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा होती है। कौन कर रहा है, अच्छा पर्सन है जो कर रहा है, क्योंकि एक बात आपको बात बताऊँ, बहुत सारे क्वैक्स हैं ऐसे हैं जो कि इतने लेसर रेट पे कर रहे हैं कि एक क्वालिफाइड पर्सन डॉक्टर उसको मैच भी नहीं कर सकता, उस बारे में सोच भी नहीं सकता कि इतने में करे वो। इतने ज़्यादा क्वैक्स हैं यहाँ पे हमारे जो कि लेकिन एक अच्छी जगह, एक मेडियोकर जगह से इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर और इट्स मनी वर्थ स्पेंट मैं कहूँगा, क्योंकि इसके रिजल्ट्स ऐसे आते हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि जी बिल्कुल ज़ाया हो गए चीज़ें। बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल। और स्पेशली जो लोग जिनको सेल्फ एस्टीम या जो लोग गंजपन का शिकार हैं जो करवाना चाहते हैं तो फिर मेरे ख्याल से उनको मसला नहीं होना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर नहीं है ये। हाँ। इस बात को जहन में रखते हुए कि इसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो गया डॉक्टर साहब। हम थोड़ा आगे भी चलेंगे अब, क्योंकि हमने हेयर ट्रांसप्लांट को बड़ा इनडेप्थ डिस्कस कर लिया, हमने आपको प्रोसीजर के बारे में बताया, इसकी कॉम्प्लिकेशंस थी या जो कॉस्ट थी इसके बारे में हमने शेयर कर लिया। हेयर ट्रांसप्लांट से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं हेयर फॉल से रिलेटेड भी, तो थोड़ा सा अगर आप हमें बताएंगे, एक तो वो लोग हैं जो कि हेयर ट्रांसप्लांट जो बाल्डनेस का शिकार हो जाते हैं, थोड़ा सा हम अगर हेयर फॉल को टच करेंगे वो लोग जिनके गर्मियों में बाल गिर रहे होते हैं या वैसे बाल गिर रहे होते हैं उनको क्या करना चाहिए, अगर आप कुछ टिप्स उनके लिए हमें बेसिक दे दें। देखिए हेयर फॉल की थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ रीजन है, वो एनवायरमेंटल भी हो सकती हैं, क्लाइमेट कैसा है, आपके पर्सनल लिविंग कैसी है, पर्सनल लिविंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज इज डाइट, डाइट कैसी है, क्या वो बैलेंस डाइट है या नहीं, ठीक है, क्या वो न्यूट्रिशन आप पूरी हो रही हैं कि नहीं है। न्यूट्रिशन देखें, बॉडी के बाल जो है वो बॉडी का हिस्सा है, ठीक है, उनको भी खुराक चाहिए, उनको भी अच्छी खुराक चाहिए, जहाँ बाकी बॉडी के पार्ट्स को खुराक चाहिए बालों को भी अच्छी खुराक चाहिए, ठीक है। फिर बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक्स, ऐसे लो ग्रेड कॉस्मेटिक्स ऐसे अवेलेबल हैं जो कि बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होती हैं बालों के लिए, ठीक है, वो ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। हेल्दी डाइट एंड नंबर वन थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इज़ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब यह है कि पानी पूरा रखें, अपने जिस्म को पानी पिलाएं, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, और स्पेशली ये क्योंकि अभी आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो ये बड़ा जरूरी है कि लोग अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, और ये बालों के लिए आप बता रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बालों की ग्रोथ के लिए कि आपने देखें कोई भी पौधा है आपने उसको पानी, एक फोर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि पानी देंगे तो वो ग्रो करेगा। इसी अब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं फेस के अंदर जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, पोल्यूशन है, ठीक है, क्लाइमेट चेंजेस हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम वी हैव टू कोप विद दैट, हमें उसको साथ लेकर चलना है। फिर हेयर फॉल की और बहुत सी रीजंस हैं, डिजीजेस हैं बहुत सारी ऐसी जिसके अंदर हेयर फॉल होते हैं।
अब डिजीज़ में डैंड्रफ मोस्ट कॉमन है, जिसमें डैंड्रफ की भी दो तीन किस्में आती हैं जो फंगल इन्फेक्शंस की वजह से हैं। वो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल और बड़ा रैपिड हेयर फॉल होता है उसके अंदर। और इसके अलावा डर्मेटाइटिस ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, इन्फ्लेमेशन है जो उसके अंदर हेयर फॉल हो सकते हैं। तो जिस तरह हमने बिल्कुल शुरू में जिक्र किया था कि गेट योर सेल्फ चेक, आप डॉक्टर से रुजू करें ताकि वो आपको बता सके कि क्या ये किसी डिजीज़ की वजह से है या किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, या ट्रूली वो एंड्रोजेनिक या वो जो बिल्कुल जेनेटिक ठीक है, एलोपेशिया है बिल्कुल क्या? ठीक हो गया। क्योंकि हम जो लोग हेयर फॉल के प्रॉब्लम का शिकार हैं, और बहुत ज़्यादा एक कॉमन प्रॉब्लम है, हम भी देखते हैं, हमारे ग्रुप में क्वेरीज आ रही होती हैं, हमारे पास बहुत से लोग हैं जो सवाल पूछ रहे होते हैं हेयर फॉल से रिलेटेड, कि हेयर फॉल औरतों में भी, छोटों में, बच्चों में, बड़ों में, सब में ही, एक यंगस्टर्स में एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम बिल्कुल है। तो उसका आप किसी को भी एक कैटेगरी में आप नहीं कह सकते कि इस वजह से हेयर फॉल है या आपके लिए ये रीज़न होगी, वेरी कर रही होती है पर्सन टू पर्सन। बिल्कुल तो सही कह उसमें रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप एक डॉक्टर को जाके इसके बारे में चेक करवाएं कि आपका ये जो हेयर फॉल का मसला हो रहा है, क्यों हो रहा है। आप इवन ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू भी आप डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर उस पर भी अवेलेबल है मरहम के थ्रू, कि आप उनसे बात करें और आप उनसे पूछेंगे ये हेयर फॉल का मसला क्यों है, क्योंकि आपके सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल आपका जेनेटिकली हो सकता है, जिसने डॉक्टर साहब ने बताया, और भी बहुत सी रीजंस की वजह से हो सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसमें दिखाएं डॉक्टर को, और उसके साथ साथ अब क्योंकि गर्मी आ रही है तो आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, हेयर हाइड्रेट फॉल के लिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, ये आपने हमें इंपॉर्टेंट टिप इसके लिए बताई है। बिल्कुल ठीक हो गया डॉक्टर साहब। अब क्योंकि डॉक्टर साहब की मेन स्पेशलिटी प्लास्टिक सर्जरी है, तो हम थोड़ा कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स को भी टच करेंगे जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली वुमेन में, और इसी तरह ही मैन के अंदर भी, जिस तरह राइनोप्लास्टी हो गई, टर्मिटाकिन हो गई, इसी तरह ही, और हमारे पास लाइपोसक्शन। तो हम देख रहे हैं कि एक इनका भी ट्रेंड है जो इंक्रीज होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इनकी तरफ आना चाह रहे हैं, स्पेशली यंगस्टर्स के अंदर ये देखा जा रहा है कि वो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करवाना चाह रहे होते हैं। लेकिन जिस तरह हेयर ट्रांसप्लांट में हमने बात की थी, सिमिलरली कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स में भी वही हिसाब है कि लोगों को पता नहीं है कि करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। एक वो फियर फैक्टर है जो अटैच हुआ हुआ है इस तरह के प्रोसीजर्स के साथ, या लोग घबराते हैं, इवन हमारी जो यंगस्टर्स हैं, जो जो लड़कियां हैं, वो घबराती हैं कि हमें इन प्रोसीजर्स की तरफ जाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो करवा भी रहे हैं और वो सक्सेसफुल भी हैं। तो हम डॉक्टर साहब से एक तो सबसे पहले पूछेंगे कि हमें बताएं कि कौन से कॉमन कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास करवाते हैं, और थोड़ा सा आप हमें उनके बारे में, उनकी हम इसी चीज़ पर डिस्कस करेंगे कि क्या ये सेफ ऑप्शन है, इनकी तरफ लोगों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो बहुत है अब आजकल के दौर में, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इज वेरी इजीली, देखिए मैं ये भी बताऊँ आपको, वो सारी में उसमें करेक्ट भी नहीं होती वो करेक्ट भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती जो बिल्कुल। इंटरनेट और पे अवेलेबल हाँ, इसीलिए इन्फॉर्मेशन है। हम मरहम का मकसद जो ये लाइव सेशन लेके आने का है, जो हम ग्रुप में या पेज के ऊपर हम अपनी ऑडियंसिस को, आपने देखा होगा हर हफ्ते बाद, महीने बाद, कोई ना कोई किसी ना किसी डॉक्टर के साथ किसी ना किसी टॉपिक पर लाइव सेशन हो रहा होता है, उसका मकसद ये होता है कि आपको ऑथेंटिक और रिलायबल इन्फॉर्मेशन है डॉक्टर से दी जाए, और आपके अगर कोई सवाल है तो आप वो पूछ भी सकें। तो हम डॉक्टर साहब को ये, डॉक्टर साहब हमें एक तो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के बारे में बताएं जो आप कॉमनली करते हैं या किए जाते हैं, और साथ में ये भी बताएं कि ये कितने सेफ हैं, क्या लोगों को इनकी तरफ चले जाना चाहिए या इनके अंदर भी कॉम्प्लिकेशंस और खतरा होता है। अच्छा, एक बड़ी चीज़ ज़रूरी है कि लोग इनको कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स को एसेंशियल प्रोसीजर्स नहीं कहते, जबकि मेरा इसमें थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट डिफरेंट है। है। अच्छा, यूजुअली यही समझा जाता है कि जिसको शौक है हाँ वो ही करवाए, एसेंशियल लोग नहीं हाँ बिल्कुल लेते। बिल्कुल, एक एसेंशियल स्पेशलिटी नहीं मानी जाती, हाँ लेकिन थोड़ा सा मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट है इसके अच्छा अंदर। वो ये कि मेंटल हेल्थ इज एन एसेंशियल हेल्थ, बिल्कुल ठीक है? अगर आप अपने आप से ही खुश नहीं हैं तो आप कैसे डिलीवर कर सकते हैं पूरी आप कम्युनिटी के अंदर, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर आपकी सेल्फ स्टीम ही स्टेबल नहीं है, आप एक लेवल पे अपने आप को नहीं देख रहे, तो यू कैन नॉट डिलीवर योर सेल्फ इन द सोसाइटी, ठीक है? उसके होगा क्या? डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन, बिल्कुल ठीक है? डाउनफॉल डाउन हर जगह पे। इसीलिए मेंटल हेल्थ इज एन एसेंशियल सर्विस, बिल्कुल व्हाट वी प्रोवाइड इज गुड मेंटल हेल्थ, ऑल राइट ठीक है? बाय व्हाट मींस? बाय ब्यूटिफाइंग यू, एग्जैक्टली, इफ यू लुक गुड यू फील गुड। यू फील गुड, ठीक है? इट्स नॉट अबाउट के लोग क्या कहते हैं, इट्स अबाउट आप अपने आप को कैसा देखते हैं, बिल्कुल ठीक है? जैसा आप अपने आप को देखेंगे वैसा लोग आपको देखेंगे, ठीक है? एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब मैं किसी भी जो भी बॉडी की शेप है किसी को बुरा नहीं कहता, ठीक है? किसी की नाक की शेप एक तरह के, किसी की दोनों ठीक हैं अगर वो अपने आप को ठीक लग रही हैं। बिल्कुल सही अगर है। मुझे अपनी नाक ठीक नहीं लग रही ना, तो आई कैन गारंटी यू कि थर्ड पर्सन को भी आपकी नाक अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है?
तो इसीलिए मैं क्या सोचता हूँ ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर मैं अपने आप को थोड़ा सा कोई डिफेक्ट समझ रहा हूँ या कोई समझ रहा हूँ कि मेरी बॉडी शेप ठीक नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली मैं डिप्रेशन में जाऊँगा, मैं लोगों से बात करने से कतराऊँगा, मेरे पास पीयर एक फियर होगा, पीयर फैक्टर जो होता है वो लोगों के साथ मैं कम्युनिकेट करने से घबराऊँगा, एंड अल्टीमेटली क्या होगा, आई विल बी कॉर्नर्ड आउट। ठीक है, तो आई रेट दिस जो स्पेशलिटी है एज एन एसेंशियल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अच्छा, अब सेकेंड थिंग के ये बात तो हमारी बड़ी क्लियर हो गई कि ये ज़रूरी क्यों है। ठीक है, दूसरी बात आपने बड़े इंपॉर्टेंट सवाल किया कि लोग जिस तरह कहते हैं कि जनाब जिसका दिल चाहता है वो करवाए, नहीं भी करवाएंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बड़ी बात होती है कि चूंकि ज़रूरी नहीं है तो क्यों ऑपरेशन करवाना या क्यों प्रोसीजर करवाना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है कि जो ऑपरेशन का रिस्क क्यों लेना। अगर मतलब शॉर्ट टर्म पर बात करें तो यस, एवरी प्रोसीजर एवरी स्टेप हैज एक लिमिटेशन। ठीक है, आप यू आर नॉट सेफ ऑन रोड्स इवन, तो हर प्रोसीजर की एक लिमिटेशन जरूर है। लेकिन अगर ओवर रेटिंग की जाए, ओवरऑल रेटिंग करते हैं, तो जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं ये दीज आर रिलेटिवली सेफर देन अदर एसेंशियल प्रोसीजर सर्जरीज। ठीक है, उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये है, कोई फॉर एग्जाम्पल आप बात करते हैं बड़े कॉमन अपेंडिक्स पेन होती है, अपेंडिक्स का उसका ऑपरेशन होता है, सर्जरी के अलावा उसका कोई हल नहीं है। लेकिन जो अपेंडिक्स के साथ बंदा आया है ही इज़ अ पेशेंट। ठीक है, जब पेशेंट होता है उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम चल रही है। जबकि जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर वाला पर्सन है ही इज़ नॉट अ पेशेंट, ही इज़ अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन। ठीक है, जो कि किसी भी सर्जरी किसी भी प्रोसीजर को बड़े अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर लेता है, उसके साथ कोप कर लेता है और उसकी बॉडी रिएक्शन उसको बड़ी हेल्दी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं किसी। तो इसीलिए जो ये जो कॉस्मेटिक सर्जरी वाले क्लाइंट्स हैं दीज आर नॉट पेशेंट, दीज आर हेल्दी पीपल जो किसी भी फाइट एंड फ्राइट सिचुएशन के लिए रेडी होते हैं। तो इट्स अ वेरी सेफ, मतलब रिलेटिवली सेफर प्रोसीजर्स देन अदर प्रोसीजर्स। बिल्कुल, ये बिल्कुल भी एक मिथ है कि ये डरना के नहीं कराना और खतरनाक हो जाएगा, खतरा हो जाएगा इससे। बिल्कुल ठीक। और मैं यहाँ पे एक बात एक ऐड कर दूँ, हमारे पास एक कमेंट भी आया, मैं बताना ये चाहूँगा कि ये डिपेंड जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा आपके ऊपर कर रहा होता है कि अगर आप के ऊपर है ये कि आप ये प्रोसीजर करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते। अगर आप तो अल्लाह पाक ने आपको जिस तरह से बनाया है, अगर आप उस तरह से खुश हैं और हर इंसान जिस तरह से भी वो है, जो भी उसकी बॉडी शेप है या जिस तरह से भी है, वो बिल्कुल बेहतरीन है, मुकम्मल है। अगर वो खुद समझता है कि उसको कोई प्रोसीजर की ज़रूरत है, किसी कॉस्मेटिक प्रोसीजर की ज़रूरत है, तो हम भी जो बताना चाह रहे हैं या जो हमारे पास सिर्फ एक हम इस लाइसेशन के थ्रू कन्वे करना चाह रहे हैं, वो ये कि हमारे पास इसका कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स मौजूद हैं इन प्रोसीजर्स के लिए। ये प्रोसीजर हैं जो होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ये प्रोसीजर करवाना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं जिनको एक्चुअली सेल्फ एस्टीम का प्रॉब्लम होता है। आजकल के लोगों के लिए सेल्फ ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर इस तरह के लोग हैं जिनको इन प्रोसीजर्स की ज़रूरत है और वो करवाना चाह रहे होते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं चल रहा होता कि कहाँ से करवाना है, सही डॉक्टर के पास नहीं जाते, गलत डॉक्टर से जाके अपना नुकसान करवा लेते हैं, गलत डॉक्टर से वो प्रोसीजर करवा लेते हैं, तो उनके लिए हम उन्हें ये बताना चाह रहे हैं कि आपके पास प्रोसीजर भी होता है, सेफ भी होता है और सही डॉक्टर से भी हो सकता है। तो करवाएं, जरूर करवाएं अगर आप करवाना चाहते हैं तो, अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप नहीं करवाना भी चाहते, अगर आप खुश हैं जिस तरह से हैं, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक ऑप्शन है जो कि अवेलेबल है आपको, आपके लिए, आपके एक्सपेंस पे, अगर आप जाना चाहते हैं, एक सेफ प्रोसीजर है जो आप करवाना चाहते हैं तो आप जरूर करवा सकते हैं। अदरवाइज दैट इज फाइन कि अगर आप जिस तरह से आपने आपको बनाया, आप जिस तरह से भी खुश हैं, तो लेकिन एक ऑप्शन है जो आपके लिए अवेलेबल है डॉक्टर की। लेकिन जब भी करवाएं कीप इन माइंड के किसी ऑथराइज पर्सन से करवाएं, स्पेशलाइज्ड पर्सन से करवाएं, क्योंकि ये ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनके अगर ठीक तरीके से ना किए जाएं या किसी अच्छे टेक्निकल पर्सन से ना करवाए जाएं, तो रिजल्ट्स कैन बी डिजास्टर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जितने भी प्रोसीजर्स हैं दीज आर डायरेक्टली लिंक्ड विद योर बॉडी। आप अपने आप को ब्यूटीफाई करना चाह रहे होते हैं, आप हेयर ट्रांसप्लांट से लेके
जितने भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर हैं सब में आपका मकसद एक ही है, इन अदर वर्ड्स, कि आप अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा इन्हांस कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि सही डॉक्टर का इंतखाब किया जाए। आप मरहम के प्लेटफॉर्म पे अगर जाते हैं तो आपको बहुत से प्लास्टिक सर्जन वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप उनको जाके देख भी सकते हैं। डॉक्टर जिब्रान रबानी के साथ हमने आपके लिए सेशन भी किया, तो आप अब खुद डिसीजन ले सकते हैं कि अगर आप ये करवाना चाहते हैं। लेकिन मेक श्योर जब भी आप करवाएं, क्योंकि इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसने हमने पूरे लाइफ सेशन के स्टार्ट में बिल्डअप भी किया कि एक ऑथेंटिसिटी और इसकी रिलायबिलिटी का प्रॉब्लम है कि आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते आप इसको गलत जगह से जाकर करवा लें। जरूर करवाएं लेकिन ठीक जगह से जाकर करवा करें। जी डॉक्टर साहब, अगर हम कोई एंडिंग पॉइंट अगर आप ऐड करना चाहें, ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की हम बात कर रहे हैं तो इसमें मल्टीपल प्रोसीजर्स हैं कुछ जो कि कराए जाते हैं, जो भी बॉडी रीशेपिंग या बॉडी कंटूरिंग के हवाले से हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जो एंटी एजिंग प्रोसीजर्स हैं लाइक रिंकल जो जिनके हैं ज़्यादा, उसमें नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स बोटॉक्स फिलर्स या सर्जिकल प्रोसीजर्स फेसलिफ्ट है। मोस्ट कॉमन प्रोसीजर जो है राइनोप्लास्टी या नोज जॉब, बड़ा कॉमन प्रोसीजर है जिसके अंदर हम नोज की शेप को मॉडिफाई करते हैं। इसके अलावा फेस की शेप को मॉडिफिकेशन की जा सकती हैं विद फिलर्स एंड विद फैट ग्राफ्टिंग, लाइक लिप्स की अगर हम ऑगमेंटेशन चाहते हैं, लिप्स को थोड़े साइज उसमें डिफरेंसेस चाह रहे हैं। एब्डोमिनल जो फैट है वो काफ़ी लोगों का एक बड़ा मसला है ये कि पेट बहुत बड़ा हुआ है, इसके अंदर मल्टीपल प्रोसीजर हमारे पास हैं प्रोसीजर्स के, जो लाइपोसक्शन जो सेफ प्रोसीजर्स हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स भी टमी टक की तरह के जो एब्डोमिनोप्लास्टी की तरह के प्रोसीजर्स हैं। इसके अलावा बेतहाशा ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि आपकी बॉडी को एनहांस कर सकते हैं, ब्यूटीफाई कर सकते हैं। बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस हैविंग यू हियर। अगर आप लोग डॉक्टर जिब्रान रबानी के साथ कंसल्ट करना चाहें या आप बाद में कोई भी और भी आपका सवाल हो तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में भी हमें भेज सकते हैं। आप डॉक्टर जिब्रान रबानी की प्रोफाइल का लिंक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। आप हमारे ग्रुप में आओ, आपके कोई क्वेश्चन हो इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड वो भी पूछ सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपके लिए जो लाइव सेशन है हेल्पफुल रहा होगा। हमारी कोशिश यही होती है कि आज का हमारा जो टॉपिक था वो एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक था और हमने कोशिश की है पूरी अपनी तरह से कि हम आपको उसके बारे में जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करें ताकि लोगों को पता चले कि हेयर ट्रांसप्लांट के एक्चुअली कितना ये हम सेफ है, हम करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, और सिमिलरली फॉर कॉस्मेटिक प्रोसीजर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर लाइव सेशन डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वी सून कम अगेन विद अनदर टॉपिक अनदर स्पेशलिटी डॉक्टर, और हम इंशाल्लाह आपको दोबारा भी अपने किसी और लाइव सेशन के साथ जरूर नजर आएंगे। थैंक यू सो वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।